इंदौर संभाग में 2 दिनों के भीतर कोरोना वायरस को नष्ट करने वाली वैक्सीन पहुंचने वाली है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा। प्रशासनिक अधिकारी सबसे पहले प्रेस क्लब के पास बने कार्यालय क्षेत्रीय संचालक इंदौर संभाग पहुंचे और वैक्सीन रखने के लिए बने रेफ्रिजरेटर व भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया। इसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग के पास बने भवन में पहुँच कर रीजनल वैक्सीन स्टोर का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि आगामी 2 दिनों में वैक्सीन शहर में पहुंचेगी, जहां संभाग से जिले और जिले में 40 फोकल सेंटर पर वैक्सीन पहुंचेगी। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि संभागायुक्त तो उन्होंने वैक्सीन रखने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर के पास प्रिकॉशंस के रूप में अन्य दवाई भी होगी, क्योंकि कई लोगों को वैक्सीन के बाद हल्का बुखार भी आ जाता है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश अच्छर की रिपोर्ट। वैक्सीन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो एक्टिविटीज़ हम लोग को पूरी हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है। एक वैक्सीन का स्टोरेज, उसका मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको अभी देख रहे हैं अपन लोग। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पर ही हैं अभी। दूसरा, जिन सेंटर्स में वैक्सीनेशन होगा वहाँ स्टाफ की तैनाती और जो प्रिकॉशनरी मेडिसिंस रहती हैं किसी भी वैक्सीनेशन में, एक कुछ मेडिसिंस डॉक्टर साथ में रखते हैं, क्योंकि हर वैक्सीनेशन में किसी में बुखार आता है, किसी में हल्का सा स्किन का इरिटेशन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जो प्रिकॉशनरी जो मेडिकेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे जो वैक्सीनेशन टीम्स हैं उनके पास मौजूद रहे। दूसरी, वो एक जिम्मेदारी होती है, दोनों को ही हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। आज कमिश्नर साहब भी हैं और सभी पॉइंट्स पे हम लोग जा रहे हैं। अभी रीजनल वैक्सीन स्टोर देखा है, सफिशिएंट कैपेसिटी है उसकी। अभी डिस्ट्रिक्ट स्टोर में भी आके देखा है जहाँ वैक्सीन रखी जाएंगे, जो मेडिकल किट्स दिए जाएंगे वैक्सीनेशन टीम्स को। हर अस्पताल में एक डॉक्टर रहेगा जो स्पेशली जो वैक्सीन लग रही हैं वहाँ के व्यक्तियों के सुपरविजन मॉनिटरिंग के लिए रहेगा, वो हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। और अभी सभी जगह व्यवस्थाएँ सही पाई गई हैं। सर, चाइना की डोर जो प्रतिबंध की गई उसको किस प्रकार से अपनी बाहर नहीं आने, तो लोग बेच रहे हैं, कार्रवाई करेंगे उस पर। अभी टीम्स बहुत सारी जगह लगी हुई हैं, हम लोग वैक्सीनेशन में ही हैं। थोड़ा भी जैसे समय मिलेगा एक दो तीन कुछ दुकानों को सील किया जाएगा। इसमें वैक्सीन पहले संभाग स्तर से आएगी, संभाग स्तर से रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू जिला स्तर पर आएगी, जिला स्तर से फोकल पॉइंट्स पर जाएगी और फोकल पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाएगी। इस पूरे रूट को कि जो सुदृढ़ व्यवस्था शासन ने की है उसको इंश्योर करने के लिए हम उस पूरे रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं और सब जगह जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, वेन्स हैं या कैरी पैक्स हैं वो ठीक रहें और वैक्सीन सुरक्षित लोगों को लग सके, उसके लिए अपन लोग आज कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कल तक आएगी, हो सकता है कल या परसों तक आ जाएगी। उस सबसे पहले संभाग पे आएगी, संभाग से जिलों में जाएगी। तो उसके लिए कुछ खास रोड भी बनाएंगे सर, कि वैक्सीन को ट्रैवल किया जाता है शहर के अंदर इस समय तो नहीं? रोड पर रास्ते तो छोटे, जिले मुख्यालय से जिले मुख्यालय सबको पता है और जिले से फोकल सेंटर्स भी सबको पता है। वैक्सीन जो हमारी रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं हमारे पास पर्याप्त है, उनमें ट्रैवल करेगी, तो विल इंश्योर कि सिक्योर और अच्छी वैक्सीन सबको लगा दी जाए। देखो, वेन्स बड़ी मात्रा के लिए उपयोग होती हैं, तो संभाग से जिले तक के लिए और जिले से फोकल तक के लिए यूज होंगी। प्रत्येक जिले पे एक एक वैन है, इंदौर पे 2 है, संभाग में 3 है, तो इंदौर में संभवतः 3 वैन से करेंगे क्योंकि ज़्यादा वैक्सीनेशन होना है, बाकी जिलों में एक एक वैन से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।